नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर के दौरान देर रात तलवाड़ एरिया में होटल मून Q3 फूड में पुलिस ने यहां पर दबिश दी है और देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। इस अवैध रैकेट के दौरान पुलिस ने होटलों के कमरों से आपत्तिजनक हालत में 5 युवक और 6 युवतियों को हिरासत में लिया है। यह पूरा मामला पंजाब के होशियारपुर से निकल कर आ रहा है और जानकारी देते हुए थाना प्रभारी हरगुरदेव ने बताया कि होटल में देह व्यापार चलाने की गुप्त सूचनाएं मिल रही थी, जिसके आधार पर एक पुलिस जवान को सिविल वर्दी ग्राहक बनाकर होटल में भेजा है, जहाँ पर जानकारी जुटाते हुए उसने होटल में दबिश दिवाई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस देह व्यापार को चलाने के लिए पूरे ग्राहक को बुलाने के लिए होटल में 2 युवतियों और 2 युवकों को लगाया गया है। चारों ग्राहकों को युवतियां सप्लाई करने का काम करते थे और जानकारी में यह भी सामने आया कि इस अवैध रैकेट को चलाने के लिए चारों हिमाचल सहित अन्य राज्यों से वे युवतियों को बुलाते हैं। पूरे मामले की गहनता से जाँच करते हुए अब तलवाड़ पुलिस द्वारा होटल मालिक रोहित शर्मा के साथ साथ 6 युवक और 6 युवतियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सो दोस्तों, खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।